और प्रदेश में मुख्यमंत्री की छवि को किस तरह से यहां पर जो है खराब किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटवारियों का लगातार रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर अधिकारी के जो है पटवारी का एक बार फिर से किसानों से रिश्वत लेते हुए जो है वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद इसे यहाँ पर जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहाँ पर जो है इस कार्रवाई में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस बड़ी कार्रवाई को अधिकारियों ने अंजाम दिया है। इससे पहले भी लगातार जो है कई इस तरह के मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि इन पूरे मामलों में कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने लगातार आ रहे हैं। सर, मेरे जो दादाजी थे मानकलाल सूर्यवंशी, उनके चार पुत्र हैं, लक्ष्मीचंद, लखन, झाड़ू, शंकर। उनके चारों के सामूहिक एक ही पावती है जिसमें हम अलग अलग पावती बनवाना चाहते थे। तो पटवारी साहब ने हमसे 10,000 की डिमांड की है, जिसमें मैंने 2,000 रुपये दिया था। बारिश के समय में, शायद ठंड का समय था, ठंड के समय में मेरे से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई तो मैंने उनको 2,000 दिया था। तो वो मेरे से जबरन करके बोले आधे दे दो कर रहे थे। तो वो तो कह रहा किसान सम्मान निधि की वसूली है। नहीं, ऐसा कोई किसान सम्मान निधि की वसूली नहीं है। अभी तक के हमारे परिवार में कोई किसान सम्मान निधि नहीं डली है। आप यकीन है तो चेक करवा सकते हैं। सूर्यवंशी से उनने शायद 10,000 की मांग किए थे जी। उनने 2,000 दिए थे तो वो बोल रहे थे कि कम से कम आधा कर दो, 5 तो कर दो। तो आपके द्वारा वीडियो उस बनाया समय? हाँ, उस समय हम वहीं पे थे। हम गए थे राशन कार्ड बनवाने के लिए तो पटवारी जी ने साफ मना कर दिए कि आप कपड़े पहने हो, आप पढ़े लिखे हो, आपका राशन कार्ड नहीं बने। जमीन कितनी है आपकी? जी, अभी 4 एकड़ है जिसमें 8 मतलब 4 बहन, 3 बहन, 4 भाई और 1 माता राम, ऐसा करके 8 लोग हैं। पिताजी को मेरे संज्ञान में इस प्रकार का न कोई जानकारी, न कोई किसी प्रकार का किसी भी माध्यम से कि ये पटवारी जिसके संबंध में आप बात कर रहे हैं जी, कि कोई पैसे लेने के संबंध में, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी नारायण कार्य हो, चाहे किसान की सेवा करने के संबंध में कोई भी कार्य हो, ठीक है ना, कोई बदले में कोई राशि की मांग की गई हो, इस संबंध में मेरी जानकारी में कोई भी बात मेरे सामने नहीं आई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस संबंध में मैं गहन जांच करवाऊंगी जी। और जैसे ही जानकारी मिलती है जो भी है आपको अवगत